अरे राजा बेटा, तू यहाँ छुपा है? हम तो तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। सूरज में, चांद में, बादलों में, सितारों में, मगर हम तो यहाँ छुपे थे। अरे वाह भाई, फिर तो हम राजा बेटा से हार गए। फौजी चाचा हार गए। अरे वाह, हमारे राजा बेटे ने फौजी चाचा को हरा दिया। वाह भाई वाह। अब बेटे आप हमें हराएंगे? हरा देंगे तो क्या दोगे? हम आपको ये कहानियों की किताब देंगे। नहीं 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 नहीं, पहले आपको एक से दस तक गिनती सुनानी होगी। गिनती सुनाओ। एक दो तीन चार आठ नौ दस। अरे आपको तो गिनती आती नहीं, आप तो हार गए। हम नहीं हारे। अरे आप हार गए ना, आप गिनती सुनाओ दोबारा। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस। अरे वाह, डैडी को उल्लू बनाते हो। ये लो। मम्मी ने डैडी को उल्लू बनाया। डैडी को ऐसा कहते हैं? और ये किताब किसने दी तुमको? डैडी ने। मम्मी इसमें दिखाओ ना उनको। क्या दिखाओ तुम्हें? बैठ। ये क्या है मम्मी? ये शेर है। शेर जंगल का राजा होता है। जंगल के सब जानवर शेर से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि शेर बहुत बहादुर होता है। हमारी तरह? हाँ बेटा, तुम्हारी तरह। ये क्या है? ये चीता है बेटा। जब कोई मर जाता है ना, तो उसको इसी तरह से जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि जलाने से लोग स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में? स्वर्ग में सुंदर सुंदर परियां होती हैं, आइसक्रीम के घर होते हैं। और नहीं जलाने से क्या होता है? नहीं जलाने से लोग नर्क में जाते हैं। नर्क में क्या होता है? नर्क में भयंकर राक्षस होते हैं, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो खा जाते हैं लोगों को। राजा। लक्ष्मी चाचा। अरे बदमाश, जब देखो मुझे राक्षस कहता रहता है, इधर आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तुझे राक्षस नजर आता हूँ। कौन कहता है लाला कि तुम राक्षस नजर आते हो? तुम तो हो ही राक्षस। फौज में रह के एक टांग तो बेकार हो गई, लेकिन टांग अड़ाने की आदत नहीं गई बे लंगड़े। लाला, अपनी टांग कटा के जिसने दुश्मनों की नाक काट दी हो, ऐसे बहादुर सिपाही को आइंदा जलील किया तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा।
हुजूर आप तो दिल लगी से दिल लगा बैठे। हुजूर मैंने सुना है कि आप रामपुर जा रहे हैं। हाँ, वहां के मजदूरों ने मैनेजर के खिलाफ शिकायत की है। वो फैक्ट्री को अपने बाप की जागीर समझता है और मजदूरों पे अत्याचार कर रहा है। सोचा उसके होश ठिकाने लगा। बड़े दरिया दिल है हुजूर। लेकिन हुजूर इतनी रात गए पहाड़ी रास्ते में, इतने लंबे सफर में जाना क्या ठीक होगा? वैसे देखिए हुजूर, मौसम भी बेवफा हो रहा है। अरे लाला, तुम खामखा क्यों डराते रहते हो? वसुंधरा, मेरा सामान तैयार हो गया? हाँ लाला जी, ठीक कहते हैं जी, कल चले जाना। सोच लीजिए सरकार, बड़ी तेज बारिश के आसार हैं, फिर कहीं कुछ हो गया तो ये ना कहिएगा कि लाला ने सावधान नहीं किया। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मत जाइए ना। अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ, अब तो ठीक है। अच्छा तो हुजूर मैं चलूं? अरे हाँ लाला जी, तुमने बताया नहीं कि तुम किस काम से आए थे। हुजूर जिस काम से आया था वो काम तो हो गया। काम हो गया? कौन सा काम हो गया? रोकिए नहीं सरकार, रात बड़ी तूफानी है। चलो उतरो, खाना खाते। राजा, मम्मी भूख लगी है। तुमने प्रार्थना की? नहीं। गलत बात है बेटा, तुमसे कितने बार कहा है कि खाना खाने से पहले प्रार्थना किया करो। चलो पहले प्रार्थना करें। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। विशाल सिंह, विशाल सिंह कहाँ है? राजा कहाँ है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? राजा चाहिए। राजा क्यों, क्या बात है? बोलो राजा कहाँ है? राजा चाहिए। और तुम लोग राजा बेटा, बातों में वक्त मत गवा बेटी, जल्दी कर, चल जल्दी से अपने कपड़े लेते, सूटकेस में डाल। लेकिन क्यों? वो मैं तुझे सब बाद में बताऊंगा, जो मैं कहता हूँ वो कर, समय बहुत कम है, जा जल्दी जा, जा। ये हत्यारे कौन है बापू? यही तो समझ में नहीं आ रहा है बेटी, कि इतने अच्छे आदमी का कौन दुश्मन हो सकता है? कहीं लाला तो नहीं? नहीं, वो भी तो मेरी तरह मालिक का नौकर है, उनकी हत्या करके उसे क्या मिलेगा? हाँ? कहीं वो तो नहीं आ गया?
यहाँ तेरा थोबड़ा देखने नहीं आया लाला। जी जी पियाजी, बताता हूँ पियाजी। पको, कल राजा विशाल सिंह और महारानी वसुंधरा दोनों की चिताएं एक साथ जलेंगी। बस दो ही चिताएं लाला। माफ करें पियाजी, बच्चा बच गया। निशाना चूक गया हुजूर। निशाना लगाया किसने था? शंभू ने पियाजी। तेरी पिस्तौल में क्या एक ही गोली थी? नहीं, और थी हुजूर। तो क्या गोली चलाने का कलेजा नहीं था? हाँ था सरकार, था, मगर बीच में उस फौजी के बच्चे ने टांग अड़ा दी और शंभू का निशाना चूक गया। लेकिन मेरा निशाना नहीं चूकता। इसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। देखिए ना, देखिए कैसे थर थर कांप रहा है। बस कीजिए पियाजी, जब से आए हैं दिन रात पी रहे हैं। कुछ नहीं होगा लाला, पत्थर तोड़ते तोड़ते ये शरीर भी पत्थर का हो गया है। भरोसा नहीं तो आ लड़ा पंजा। मैं तो गुलाम हूँ पियाजी, कभी आपसे हाथ नहीं मिलाया, पंजा कैसे लड़ा सकता हूँ। तो फिर कौन लड़ाएगा मुझसे पंजा? तू लड़ाएगा? मैं सपने में भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता हुजूर। पंजा नहीं लड़ाएगा तो मारा जाएगा। माफ करना हुजूर। लाला, सरकार की शान में गुस्सा ही करता है, क्या पंजा लड़ा? हुजूर को खुश करने के लिए हार तो नहीं जाएगा, हारेगा तो जान से जाएगा। लगा जोर। तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, लगा ताकत। चल, डूबते को तिनके का सहारा, दोनों हाथों से लगा जोर। देखा लाला, अब भी इन बाजुओं में वही जोर है। खेल करने की पुरानी आदत गई नहीं आपकी? मेरा मुंह क्या देख रहे हो हरमजादो? जाओ जाके बच्चे का पता लगाओ, पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दो, हमारी नजर से छुपे बिना एक पंछी भी इस इलाके से जा रहे ना पाए। जाओ जाओ। लंगड़ा, लड़की और बच्चा, वो तो 4 मील पहले ही जंगल में उतर गए।
भगवान नहीं चला जाता। मत मत हार बेटी, मत मत हार, कहीं ना कहीं छुपने की जगह जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। कहाँ चले गए कमबख्त? बाबू उधर देखो, नजर बचाने की मुनासिब जगह है। मैं राजा के लिए खाने का इंतजाम करके आता हूं। बेटी, राजा का ख्याल रखना। हत्यारे पागल कुत्तों की तरह इसे ढूंढ रहे होंगे। अरे आगे बापू, ले में खाने की चीजें हैं। हाँ। और रसोई के बर्तन ले आया हूं। राजा को, राजा को, राजा यही तो था। राजा, 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 राजा बेटा, बेटा तू यहां बैठा है। एक मिनट के लिए तुम्हारी धड़कन ही रुक गई थी। राजा बेटा, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहा है, उदास क्यों तू? हमारे मम्मी डैडी नया गाएंगे, हमारे मम्मी डैडी को किसी ने जलाया नहीं ना? नहीं बेटा, तुमसे किसने कहा कि उन्हें किसी ने जलाया नहीं? मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें जलाया है। नहीं, अब तो हमारे साथ थे। नहीं बेटा, मैं वहाँ कहकर आया हूँ। कहा हूँ मैं कसम बेटा, तेरी कसम बेटा, तेरी कसम। बहुत इंतजार किया, पूरे 20 साल, और तेरा ये कुत्ता कहता है कि बच्चा नहीं मिला। बोल हरामजादे, बच्चा क्यों नहीं मिला? वो सरकार, हमने तो पूरी कोशिश। ऐसा जुल्म मत करो पिया जी, ये मेरा वफादार कुत्ता है, जान दे देगा मगर उफ तक नहीं करेगा। तू तो मेरा वफादार कुत्ता है, अगर तेरी जान ले लो तो उफ तो नहीं करेगा। आपको हक है पिया जी, चाहे जान ले लो, मगर जान लेने से बच्चा तो नहीं मिल जाएगा। तेरे ये वफादार कुत्ते सिर्फ तुम हिलाना जानते हैं, कुछ समझा लाला? कुछ कहने की जरूरत नहीं है पिया जी, ये गुलाम आपके इशारों को समझता है। मिस्टर जोसेफ कहाँ है? वो उधर। थैंक यू। हेलो मिस्टर जोसेफ। हेलो डिसोजा, बहुत दिनों बाद आए। एक काम लाया हूँ। तुम खाली हाथ कब आए? लाला जी, ये हैं सूरजपुर के लाला रणछोड़ सिंह और आप मिस्टर जोसेफ। जी बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। हाँ तो काम बताओ लाला। एक बच्चे को ढूंढना है, जिंदा या मुर्दा। काम की कीमत 10 लाख रुपया। 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। 5 लाख काम से पहले, 5 लाख काम के बाद। लेकिन पिया जी, इस बात की क्या गारंटी है कि इतना पैसा लेकर आप बेईमानी नहीं?
हरमजादे बेईमानी करता है। जोसेफ के अड्डे पर बेईमानी, निकल जाए यहां से। माफ कर दो जोसेफ अंकल, नया नया आया है, आपके कायदे कानून नहीं जानता। अरे नया नया आया तो बताया क्यों नहीं कि जोसेफ सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बेईमानी नहीं। जाओ खेलो, चलो खेलो सब। हाँ तो लाला आओ, इस बात का ख्याल रहे कि पुलिस को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि इस काम के पीछे हमारा जोसेफ। तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, मैं सट्टे का राज खोल दूंगा, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। कम लाला, कम सिट डाउन। रिलैक्स रिलैक्स। जानते हो कल के अखबार में क्या छपने वाला है? ये मैं आज कैसे बता सकता हूँ? मैं बताता हूँ, राज्य के मुख्य उद्योगपति देवधर गुप्ता की क्रूर हत्या। लेकिन कल के अखबार में छपने वाली खबर आप आज कैसे जानते हैं? मेरे बच्चे बड़े काबिल हैं। सुनो, क्या है? देवधर साहब से मिलना है। साहब यहाँ नहीं है, मिलना है तो उनके घर पर जाइए। साले झूठ बोलता है। Oh,
तुम लोग? यमदूत। क्या चाहते हो? तुम्हारी मौत। क्यों? मौत किसी को बताकर नहीं आती। मुझे जिंदगी दे दो, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हम तुम्हें मारेंगे और मुंह मांगी कीमत लेंगे। इतना भी मत डर कि डर के मारे मर जाए। मैंने कुछ नहीं देखा। Shit!
अपनी सबसे प्यारी चीज तो भूल जा रहे हो। क्यों जोसेफ अंकल? मेरी एक बात याद रखना बच्चों, दुश्मन चाहे कितना ही भोला भाला मासूम क्यों ना हो, उस पर कभी भरोसा मत करना। वो अपनी जान बचाने के लिए कभी भी तुम्हारी जान ले सकता है। जाओ, गॉड ब्लेस। बाय अंकल। बाय, बाय जोसेफ अंकल। कितनी बार कहा तो सड़क पे मत जाया कर, मगर मानता ही अंधे हो क्या? देखिए गाड़ी नहीं चला सकते। बच्चे सड़क पे नहीं खेलते। आइए प्याजी। ये छत्तर सिंह। नमस्ते। नमस्ते। ये जालिम सिंह। नमस्ते। आइए आइए प्याजी, आइए। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, तनिक जलपान वलपान कर लीजिए, सुस्ता लीजिए, सफर में थक गए होंगे। हम लोग कभी थकते नहीं लाला। दुनिया परखे बार बार, बनिया परखे एक बार। प्याजी, हम तो पहली नजर में ही ताड़ गए थे कि आप लोग मर्द हैं, और मर्द लोग कभी थकते हैं भला? हमें चापलू से भी पसंद नहीं लाला। लाला, जब भी मुंह खोला करो, काम की बात बोला करो। बच्चे का नाम बताओ लाला। हा? बच्चे का नाम? हाँ, राजा। आप लोग खड़े क्यों हैं प्याजी? बैठिए बैठिए, मैं जाके बच्चे की तस्वीर लेकर आता हूँ। शरबत। है तो ससुरा इतना सा, लेकिन है एक नंबर का शैतान। लो पिया जी, आप भी देख लो। ये तस्वीर देख के आप लोग चौंक क्यों गए? ये बच्चा हमारे हाथ आ गया था लाला। अरे अरे, तो निकल कैसे गया भैया, ठेंगा दिखा के? मेरा मतलब है कि बच्चा मिला कहाँ था? लाला,
बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो ना। भूख लगी है? हाँ, कुछ खिलाऊं? खिलाना, क्या खिलाएगा? गाली खाएगा? देख रमा, अगर तूने ऐसी वैसी बात की तो तेरा थोबड़ा तोड़ डालूंगा। अरे यार, तू तो जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाता है। बुरा मान गया? अरे तू तो सचमुच बुरा मान गया यार। नहीं माना। सच्ची? सच्ची। हाँ, मेरी कसम। तेरी कसम। मैं कुछ खिलाऊं खाएगा? देख, तू मजाक तो नहीं कर रहा? अरे यार, मैंने कभी मजाक किया है तेरे साथ? कुछ खिलाऊं? हाँ खिलाना। हाँ मेरी कसम, तू खाएगा? तेरी कसम, क्या खिलाएगा? जूता खाएगा। ए, तो ए, भीमा, ए, भीमा, तुने, तुने कसम खाई है, तुझे जूता खाना पड़ेगा। ए, ए, रामा, तू गांव जाके कुछ खाने के लिए लेकर आ। ए भीमा, मैं गांव से कुछ खाने का लाता हूँ, तब तक तू यहाँ बैठ के खा ले। क्या बैठ के खाऊ, तेरा भेजा? भेजा नहीं बेटा, हवा खा, हवा खा ले बेटा, खा ले, मुफ्त का माल है। देख देवा, तू इन दोनों को समझा दे, दोनों की हड्डी पसी तोड़ डालूंगा। ए जीवा, बस बहुत हो गया, ज्यादा नाटक नहीं है। तू इन दोनों के मुंह लगता है क्यों है? तुझे भूख लगी थी तो मुझसे कहना चाहिए था, मैं कुछ दूं खाने के लिए। है खाने के लिए? हाँ, थप्पड़ खाएगा। देवा तू भी। ए भीमा, ए भीमा, ये क्या, तूने तो बच्चे की तरह मुंह फुला लिया। अच्छा गलती हो गई, माफ कर दे यार। चल। ए छोकरी, क्या है? तुमने एक लंगड़े फौजी को 4 साल के बच्चे और उसकी जवान लड़की के साथ देखा है? क्या, लंगड़े फौजी को 4 साल के बच्चे की जवान लड़की के साथ? नहीं, लंगड़े फौजी को 4 साल के बच्चे और जवान लड़की के साथ, समझी? अच्छा अच्छा, फौजी को लंगड़े बच्चे और 4 साल के जवान लड़की के साथ। 4 साल की लड़की नहीं, 4 साल का फौजी और जवान। ओह माय गॉड, 4 साल का बच्चा और लंगड़ी लड़की। ओ, 4 साल का बच्चा और दांत दिखाने का बहुत शौक है, और दिखाए ना तो दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ओए होए होए, ए ज्यादा चपट चुकी है ना, तो ये अतड़ियां निकाल के गले में टांग दूंगी, समझा? चंपापुर की चमेली चक्कू रानी के चक्कू का कमाल 50-50 कोस तक मशहूर है, समझा छोकरे? हाँ, तो तू पूछ रहा था कि मैंने फौजी को 4 साल के बच्चे और उसकी जवान लड़की के साथ देखा है क्या? तो सुन, मैंने यहाँ हर किसी का ठेका नहीं ले रखा है, चल कालू। उस दिन बच्चा इसी लड़की के साथ था ना देवा? जीवा, रामा, हट जाओ रास्ते से, जाने दो लड़की को, जा भाग। तुमने उसे जाने क्यों दिया? जाएगी नहीं तो जानोगे कैसे कि जाती है कहां? चला गया, यही तो सुला के गई थी उसे। राजा, 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 राजा।
राजा, हे भगवान, इसे कहाँ छुपाऊँ? भाग कर जाऊंगी तो भी कहाँ जाऊं मैं? लड़की आई तो यही थी, फिर गई कहाँ? हमें ये बच्चा चाहिए जिंदा या मुर्दा, सुना नहीं तूने? हमको मत भेजो दीदी, हमको मत भेजो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, चलो बेटा। फौज में 10 साल मेरे जट नहीं मारी हत्यारों, तुम लोगों ने जितनी गोलियां नहीं देखी उतनी तो मैं दुश्मनों के सीने में उतार चुका हूं। इन हाथों में बंदूक हो और बंदूक में गोलियां हो तो ये लगड़ा तुम जैसे 100 पर भी भारी है। बापू, जरा इधर देख लंगड़े, जान जाएगा कौन किस पे भारी है। तेरी बेटी की तकदीर मेरे हाथ में है, बच्चा हमारे हवाले कर दे वरना इसके माथे पर मौत लिख दूंगा। बच्चे को देता है या तेरी बेटी के चिथड़े उड़ा दूं? नमक हलाल नौकर कभी नमक हरामी नहीं करते। सोच ले फौजी, तेरी बेटी बेमौत मारी जाएगी। फौजियों के फैसले बदला नहीं करते। मत मार दीदी को, मत मार दीदी को, दीदी को, मैं दीदी को मत मारना, मैं दीदी को मत मारना, मैं दीदी को छोड़ दो। अब क्या सोच रहा है फौजी, नमक हलाल नौकर कभी नमक हरामी नहीं करते। अपने मालिक की अमानत को जिंदा देखना चाहता है तो बंदूक फेंक दे। हराम साधे, बुज़दिलों की तरह छुपकर तूने एक मर्द की पीठ पर वार किया। साले, हमारे शिकार पर हाथ डालने की गलती, हमारे मामले में दखल देने की गुस्ताखी की। पीठ पे वार करने वाले गीदड़ों पर मैं हाथ नहीं उठाता, थूक देता हूँ। जाकर अपने लाला से कह दे कि उसका पाला शेरों से पड़ा है, हमारी निगरानी करवाने का शौक है तो शेर पाले। उठ, भाग यहाँ से। बड़े बड़े सूरमाओं ने हमसे टक्कर ली और ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है फौजी कि तेरे सामने
हम रेत के घरौंदे की तरह बिखर गए। ये बाजी तू हमसे जीत गया था, ये और बात है कि तेरे दिल के हाथों तेरी हार हुई। तेरी इस मौत का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। बच्चा मिल गया। हाँ यार, उन चारों ने से ढूंढ लिया है। लाला जी का है? लाला जी तो नहीं है, लेकिन सरकार ऊपर है। सरकार ऊपर है? अच्छा, अरे सुनो तो, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं यार, बड़ी भूख लगी है। ए लड़के, चल खाना बना। जानी तूने कहा ना खाना बना? हाथ चलाती है साली, हाथ चलाती है। ये नखरे किसी और को दिखाना समझी? चल चुपचाप उठ के खाना बना। क्या बैठा है मोटे? पीना साले? मैं नहीं पीऊंगा। वो लंगड़ा इसका बाप लगता था ना, उसका गम मना रहा है ये। हाँ, अब तो उसकी तेरवी मना के ही पिएगा, है ना मोटे? ए रामा, लोग क्या पी रहे हो? हम लोग दालू पी ले। को भी पी रहे? अरे वाह, शेर का बच्चा है यार। ले तू भी दारू पी, ले पी ले। हम पिएंगे, हम पिएंगे। दारू पिएगा, दारू पिएगा, हाँ बदमाश बनेगा, हर एक दिन निर्दोष लोगों का खून पिएगा। Thank you.
पानी पी ले। कान खोल के सुन लो, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता हम में से कोई भी दारू नहीं पिएगा। भीमा, दारू की सारी बोतलें फोड़ दो। साला मोटू, ना खाया ना पिया, ऐसे ही सो गया। दे दे। चाहिए लोगे? ए मोटू, तू जीवा का दोस्त है कि नहीं? एक बोतल मेरी, एक रामा की। चाहिए लो। चमेली चलेगी इस डोर पे, ठीक है, इस पे चलना और जिंदगी की डोर पे चलना एक सा है। अच्छा? चलने वाला जिगर थाम के चलता है। मोहब्बत की डोर पर चलना भी कुछ ऐसा ही है, चलने वाला जिगर थाम के चलता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही है। मोहब्बत की डोर भी कुछ ऐसी ही है, चलने वाला जिगर थाम के चलता है। अरे शराबी कहीं का, मोहब्बत का दावा तो गली का हर कुत्ता करता है, निभाने वाले शेरे जिगर होते हैं। एक बार हाथ थाम के तो देख, मरने से पहले छोड़ दिया तो थूक देना मेरी लाश पर। दिल दे दे चमेली, जाजा दिल दे दे, वरना हम तो वो है कि कोई प्यार से नहीं देता तो छीन लेते हैं। बोल, दिल देगी कि नहीं? नहीं। ए चमेली, दिल देगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। बोल चमेली, दिल देगी? नहीं। चूमने के लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे चूमने वाले तो बस चूम लेते हैं। से पानी जरा दे गोरिये, थोड़ा मटके से पानी जरा दे गोरिये, मैं तो कब से हूँ प्यासा खड़ा। दे गोरिये, थोड़ा मटके से पानी जरा दे गोरिये। जा मटकी ना छूना जवानी छोरे, जा मटकी ना छूना जवानी छोरे, पानी पीने के बहाने डालेगा डोरे। जा मटकी ना छूना जवान छोरे, थोड़ा मटके से पानी जरा। गहरे गहरे कुएं का ठंडा ठंडा पानी, गहरे गहरे कुएं का ठंडा ठंडा पानी, थोड़ा सा पिला दे तेरी होगी मेहरबानी। जवानी, कौन दे जवानी? कोई
कोई रास्ता हमें भी दिखा दे गोरिये, कोई रास्ता हमें भी दिखा दे गोरिये, मैं तो कब से हूँ प्यासा खड़ा, दे गोरिये थोड़ा मटके से पानी जरा। यूं ही चला जाऊंगा बात पछताएगी, यूं ही चला जाऊंगा बात पछताएगी, ऐसा दिल वाला कहीं ढूंढे से न पाएगी। ला पिला दे गोरिये, ला पिला दे गोरिये, जल्दी कर। हम खाएंगे। हाँ नहीं राजा, नीचे रख दो, नहीं छोड़ दो, खाएंगे। नहीं राजा, ये जहर है, खाओगे तो मर जाओगे। भाग रहे? मैं तुम लोगों के लिए लकड़ियाँ जमा करने जा रहा हूँ। हमारे लिए लकड़ियाँ जमा करने क्यों? तुम लोगों को जलाने के लिए। जलाने के लिए क्यों? तुम लोग मर जाओगे इसलिए। मर जाएंगे क्यों? दीदी ने खाने में सेब मिलाया। वो राजा तो बच्चा है, इसे क्या मालूम, इसकी बात का क्या भरोसा? हाँ तुम ठीक कहती हो, इसकी बात का क्या भरोसा। हम भरोसा करेंगे तो तुम्हारी बात का। ठीक है, तुम न सही राजा सही, आखिर पता तो यही लगाना है ना कि खाने में जहर है या नहीं। करती है तू, समझती है हमारी आंखों में धूल झोंक देगी? अरे खाने में जहर था ये बात तो तभी जाहिर हो गई थी जब तूने बच्चे को खाने से मना कर दिया था। तुम गंदे, तुमने मेरी दीदी को मारा। मारता नहीं तो मर जाती साली। ईमा, बच्चे को ले आओ। ईमा, लड़की के हाथ पैर बांधो। नहीं,
नहीं ले जाओ, नहीं ले जाओ ना उसे, नहीं ना जाओ, मत ले जाओ उसे, नहीं, नहीं राजा को छोड़ दो, राजा को छोड़ दो, नहीं ले जाओ, तुम बच्चा उसे मत ले जाओ, मेरा भूगा, छोड़ दो राजा को, मत ले जाओ उसे, वो तोड़ो, जीवा, लड़की को खामोश कर दो। क्यों जाम है? आगे पहाड़ धस गया है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। सूरजपुर जाने का और कोई रास्ता है? जी नहीं, यही एक रास्ता है। ये सड़क कब तक ठीक हो जाएगी? कुछ कह नहीं सकते, एक सप्ताह भी लग सकता है, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। अब क्या करें? चलो वापस वहीं चलते हैं। वहां क्यों जाएं? कहीं और भी तो ठहर सकते हैं। बच्चे को उस जगह की आदत हो चुकी है, उसे संभालने में तकलीफ नहीं होगी। चलो वापस चलो, चलो वहीं। जीवा, जीवा, हाँ, तेरा यहाँ ना? जाओ और लड़की के हाथ पांव खोल दो। गोली चलाने से पहले ही लड़की को खामोश कर दिया, अब मुंह लटकाए क्या खड़ा है? अंदर जा और उसके मुंह से रुमाल निकाल के अपने चेहरे की ये घबराहट पहुंच ले। बेटा डुबकी लगा ले। अरे इसमें गलत क्या कहा यार? अरे पकाने नहीं, साले अकेला ही खाएगा क्या?
अच्छा मजा आ गया यार। ये जहर है, मैंने सिर्फ आधी बोतल ही डाला। अरे अभी नहीं, मैं तो सुबह की बात कर रही थी। भी खाएंगे। आजा। ले खा। आने दे इधर। इधर देना। अबे मोटे। साली कभी जहर खिलाती है, कभी जान लुटाती है, ये चक्कर क्या है देवा? उसे ये गलतफहमी हो गई है कि हमने उसे बच्चा हमेशा के लिए वापस कर दिया है। उसे क्या मालूम कि रास्ता बंद हो गया है और हम यहाँ चंद दिनों के मेहमान हैं। मोटू चाचा क्यों रखा है? अबे गधे, मोटे को मोटा नहीं तो क्या लोटा कहेगा? ने तुम्हारा भी नाम रखा है। अच्छा बता बता क्या नाम रखा है? चकु चाचा का जा। और तुम्हारा नाम बताए? हाँ हाँ बताओ बताओ। गुली चाचा किचू। अरे वाह। चला जा, तूने उसका नाम क्या रखा है? बता 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 राजा बता बता बेटा, क्या नाम रखा है तूने? गुस्सा चाचा। चाचा तुमको पाला था? नहीं नहीं बेटा, इसको खाने पीने के सिवा कुछ नहीं आता। अरे चाचा मुझे सब कुछ आता है। ओए पहाड़ा किसको कहते पता है? अरे जो पहाड़ से बड़ा होता है उसे पहाड़ा बोलते हैं। अच्छा मोटू चाचा दोने दूने क्या होता है? दो दूने चार। वाह सबास। और चार दुने? चार दुने चार दुने आठ। सबास हुसार बेटा। और आठ दुने? आठ दुने सोलह। सबास सबास। और सोलह दुने? सोलह दुने बत्तीस। और बत्तीस दुने? तीस बत्तीस तीस दुने बत्तीस दुने चौसठ। और चौसठ दुने? हाँ बोलो बोलो चौसठ दुने। हाँ बोलो 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 128। सब बस बेटा 128 दुने। चुप रह। नहीं मानते नहीं मान डरते क्यों? अरे अच्छे बच्चे नहीं रोते ही, चलो खाना खाते हैं। खाना तैयार है। तेली बना हमें लकमा। क्या हुआ? तेली बना हमें हमें रखना सीखे हम मेखला हपल चलना। Lady।
अरे राजा, इसको ऐसे नहीं बजाते, या मैं दिखाता हूं कैसे बजाते। इसको पहले ऐसे पकड़ना, फिर ये लगा के कैसे बजाएगा, ये उंगलियां इधर, उंगलियां इधर। वाह 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 वाह, ये बड़ा होकर जरूर वो क्या कहते हैं उसे, हाँ संगीतकार बनेगा ये, है ना राजा? नहीं, बड़ा होकर मैं फौजी चाचा बनूंगा और देश का नाम ऊंचा करूंगा। अरे वाह वाह यार, राजा देश का नाम ऊंचा करेगा, बड़ा होकर फौजी बनेगा ये, वाह। बड़ा होने दोगे तब बनेगा ना। मोटे जरा कम खाया कर, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? कहाँ जा रहे हो? जंगल जा रहे बेटा। हम भी आएंगे। तुम भी चलो बेटा। नहीं, राजा कहीं नहीं जाएगा। हम जाएंगे। तुम चुप रहो, यहीं चुपचाप बैठो, कहीं नहीं जाओगे तुम। हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। देवा, वो बच्चा है, आने दो हमारे साथ, दिल बहल जाएगा। चल चल, आजा बेटा, आजा। चलो जी, आजा। मोटू चाचा, तुमको जो खेलना आता है? हाँ आता है। चलो जाओ, तुम छुप जाओ, हम ढूंढेंगे। चलो चलो जाओ, छुप जाओ। कोई देखना नहीं है, हम छुपते हैं। राजा बेटा कहाँ गया? राजा बेटा कहाँ गया? राजा बेटा कहाँ गया? चलो बेटा, हम भी अपना पेट साफ कर ले। ऐसा करो, तुम भी वहां पैंट उतारो और जाके चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, 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 नहीं।
मुद्दू जाके जाऊं। चल भाग यहां से, भाग चल। तक कुछ जाके जाऊं। चल जाए यहां से, जा। मुद्दू जाके जाऊं। चल चल। चल जा छुप जा। ए वोटे, ए वोटे, तू पापन करे। पापन क्या? राजा कहाँ गया? मिली नहीं रहा यार। अरे बाबा बाहर आ जाओ, हम हार गए राजा बेटा। ए राजा बाहर आ जा यार। राजा कहाँ गया? राजा कहाँ है? तुम लोग चुप क्यों हो? राजा कहाँ है? राजा कहाँ है? राजा गुम हो गया। क्या? राजा गुम गया? जंगल में झाऊ खेलते खेलते राजा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? राजा कोई खिलौना है जो गुम जाए? हमारे लिए तो वो एक खिलौना ही था। हमारा खिलौना गुम हो गया देवा। खिलौना गुम गया? तुम्हारे खिलौने की ऐसी की तैसी, जानते हो उसके गुम होने का मतलब क्या है? हमने पूरा जंगल छान लिया देवा, मगर वो मिला नहीं। मेरे मना करने के बावजूद उसे लेकर गए। अब वो पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? राजा मैं जाने कहां होगा, किस हाल में होगा, और मैं भी कितनी अभागन हूं, उसके लौटने की दुआ भी नहीं मांग सकती, क्योंकि वो यहां लौट भी आया तो मैं जाने उसका क्या हाल होगा। बस इतनी कृपा करना भगवान कि वो जहां भी हो तेरी पनाह में हो। हमने ना ही कभी तेरी हस्ती को माना, ना ही तुझसे कुछ मांगा, और ना कभी तेरे सामने हाथ जोड़े, मगर आज हम सब तुझसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे राजा को हमें लौटा दे। बदले में हम तुझसे ये वादा करते हैं कि आज के बाद हमारे हाथों कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं होगी। राजा, राजा, राजा,
कहाँ खो गया था तू? खड्डे में। खड्डे में? तो तुझे निकाला किसने? चमेली ने। चमेली ने? चमेली इधर आओ। ओ जीवा, हाँ? ओ ये तो वही लड़की है रामा जिसका चुमा ले रहा था। मगर हम लोगों ने तो सारा जंगल छान मारा, वहाँ तो कोई गड्ढा नहीं मिला। इसके रोने की आवाज सुनाई नहीं देती तो हमें भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो हाथियों के शिकार के लिए बनाया हुआ गड्ढा था ना, वो जिसे शिकार लोग पत्ते से ढांक देते हैं। तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? मैंने इसे पूछा कि कहाँ रहते हो तो बोला खंडर में। मैं तो समझी नहीं, मेरे भाई ने बताया कि हो ना हो ये भूता खंडर की बात कर रहा है। भूता खंडर? हाँ, गाँव वाले इसे भूतों का खंडर ही कहते हैं, इसलिए तो यहाँ कोई आता नहीं है। देखो आगे, मेरा भाई गाँव में है। बहुत झेल ली तुम लोगों की बेवकूफियाँ, बहुत झेल ली, अब और नहीं झेलूंगा। और कान खोल के सुन लो, जिस तरह दौलत के लिए खून करना हम लोगों का पेशा है, वैसे ही दौलत के लिए लूटपाट करना इन डाकुओं का। और जैसे कोई हमारे काम में दखल दे ये हमें मंजूर नहीं, उसी तरह चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई भी इनके मामले में टांग नहीं अड़ाएगा। एक मौत की तरह मेरा हाथ था वाता, और तो कितना खराब हो गया छिपा रहा है। जवानी के जोश में मार समझे कि भूल की थी मैंने तुझे, ले ले छूट जा। भी तो देख लें तेरा किन नामर्दों से पाला पड़ा है। ए लड़की, चल चैन निकाल। चैन निकाल, नहीं तो गला कट जाएगा। दीदी को मार, तू ही तो अकेला है इस घर में मर्द, चल तू भी निकाल अपनी चेन। और कहाँ लगी है चोट? तुमने उस डाकू को क्या मारा? मुझे आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे मारा? ऐसे। अब रहने दे, कोई जरूरत नहीं इस नाटक वाटक की। तो इसको नाटक समझता है? तब तो बड़ी गालियां दे रही थी, जवानी के जोश में तुझे मर समझने की भूल की थी। ले पहन ले चूड़िया, अब नखरे कर रही है साली। मेरी बेइज्जती देख के भी तू पास नहीं आया तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? तो तू क्या समझती है, तेरी बेइज्जती देख के मुझे अच्छा लग रहा था? अच्छा जी, तो फिर कैसा लग रहा था? ऐसा। ए, छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो वहां चले कहा?
जहां कोई नहीं देखेगा। प्यार करना सीख लो बाबू, अकेले नहीं रहोगे। इंतजार कराया, जानते हो कितनी बेकरारी से मैंने तुम्हारे आने का इंतजार किया है। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ जी, खास बात तो है। क्या? तुम पिता बनने वाले हो। फिर से कहो। तुम पिता। मोनिका, देखो बचपन के अपने सारे सपने अपने इस बच्चे पर निछावर कर दूंगा। मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि दुनिया देखेगी। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा और उसने मान लिया? हाँ डार्लिंग, देवा तो यही समझता है कि बच्चा उसका है। उसे क्या पता कि बच्चा तुम्हारा है। देवा आता ही होगा, अब तुम जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन पहले जी भर कर तुम्हें प्यार तो कर लूं। ओफो, जाओ भी। सच कहा है किसी ने कि आदमी चाहे तो समुंदर की गहराई नाप ले, लेकिन औरत के दिल की था जानना मुश्किल है। देवा, मेरी बात तो सुनो। सुनने और देखने के लिए अब रह ही क्या गया है? मुझे माफ कर दो। सारा झूठ है, ये कैसी है जिंदगी, ये कैसी है जिंदगी। कभी लगे कि ये सारा सच है, कभी लगे कि ये सारा झूठ है, ये कैसी है जिंदगी, मौजों में ही मरना।
है तूफानों से यारी करके कभी लगे के ये सारा सच है कभी लगे के ये सारा झूठ है ये कैसी है जिंदगी ये कैसी है जिंदगी खत्म हो गए हैं। वो कह रही आटा दाल खत्म हो गया। पूछो से राशन कहाँ मिलता है? गांव में बनी की एक दुकान है, कोई भी बता देगा। रामा क्या लिया? Hmm.
तू दारू पिएगा तो के बच्चे भूल गया, देवा ने मना किया है तो फिर तो तू उसका गुस्सा नहीं जानता, भड़क गया तो तेरी खैर नहीं तो तेरा सर। अरे उसे पता भी नहीं चलेगा बेटे। ए रामा ज्यादा नाटक नहीं क्या, चल बोतल दे चल। नहीं दूंगा। क्या नहीं देगा? नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तू नहीं देगा तो मैं देवा को बोल दूंगा। ए देवा को बताएगा ना मैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। क्या तू मेरा थोबड़ा तोड़ेगा? दारू नहीं पिलाएगा? ये कैसे लड़ रहे हैं हल्कन? क्या ये लोग क्यों लड़? दारू पीने के लिए लड़ रहे हैं। ये मारपीट की आवाज कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। भीमा हथौड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग आपस में? क्यों लड़ रहे हो? तुम बताए ये दारू के लिए लड़ रहे थे। दारू के लिए? मैं नहीं देवा, ये लो। तुमने मेरा हुक्म ठुकराने की गुस्ताखी की है, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। अपने अपने कान पकड़ो, कान पकड़ो और उठक बैठक करो 100 दफा। तुझे गिनती गिनने का बड़ा शौक है ना, चल गिनती गिन। शुरू कर। एक, एक, दो, तीन, पूरे 100 तक गिनना। 5, 15, 16, 17, 18, 89, 80, 80, 80। इक्यासी। अरे फिर इक्यासी? ए राजा ठीक से गिनना। 82, 82। जीवा। अरे राजा गिनती गलत। अरे मगर देवा राजा गिनती गलत। चुप। 100 तक अगर किसी ने जबान खोली तो दांत तोड़ दूंगा। 80। चलो तो। चलो उठा। मैं तो गुच्छा चाचा को बता दूंगा। चुप है। गुच्छा चाचा। 81। अरे
88 89 80 कैसी? फिर कैसी? इस साले का रिकॉर्ड घिस गया। 89 पे आके बार बार 80 पे अटक जाता। 82 अरे वो लोग साला ठीक ही बोलते हैं। गुण के साथ गेहूं भी पिस जाता है। गुण के साथ गेहूं नहीं मोटे, गेहूं के साथ गुण। अरे जो भी है वो ठीक है। कैसी? कैसी? अभी तो चल रहा। 80 कैसी? 98 99 100 रामा फटाफट सामान पैक करो। भीमा इंजन में पानी डालो। जीवा बच्चे को लेकर आओ। क्यों? क्योंकि रास्ता खुल गया है। चलो चलो खड़े क्या हो, जल्दी करो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? देवा कल हमने भगवान से वादा किया है कि हमारे हाथों किसी निर्दोष की हत्या नहीं होगी। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग डाकू से साधु बन गए हो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं तो अकेला ही सही। राजा चाचा मालूम है चाचा, रात सपने में मम्मी आई थी, हमने बताया कि गुच्छा चाचा ने पहली बार प्यार किया। हम आपको मम्मी से मिलाते मगर हम जाग गए। क्या ये जरूरी है कि राजा को उनके हवाले किया ही जाए? हमने उनसे वादा किया है, अपनी जबान दी है उन्हें। वो लोग इसे जान से मार देंगे देवा। तो इसमें कौन सी नई बात है? इससे पहले हमने भी तो कईयों को बड़ी बेरहमी से मारा है। मगर इससे पहले हमें भी तो किसी से इतनी मोहब्बत नहीं हुई थी, किसी ने हमारा दिल नहीं जीता। हमारे धंधे में दिल के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन इसे देखकर क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं उमड़ता? वो लोग इसे मार देंगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा देवा? जब तुमने अपने चचा का खून किया था तब तुम्हें दुख हुआ था और वो तो तुम्हारा सगा था। ये तुम्हारा क्या लगता है, इससे तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? इससे हमारा वो रिश्ता है देवा जो तुमसे हमारा है। हमारी तरह इसके भी माँ बाप नहीं है, ये भी हमारी तरह अनाथ है देवा। दुनिया में और भी बहुत सारे अनाथ हैं, सबकी जान को बचाने का ठेका मैंने नहीं लिया है। कितनी आसानी से यह बात तुमने कह दी देवा। अरे जरा मुड़कर एक नजर अपने बचपन में तो डालो और सोचो कि राजा की तरह तुम्हारी जिंदगी भी एक दिन मौत के मुहाने पर खड़ी थी। उस वक्त अगर जोसेफ अंकल ने आकर तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया होता ना, तो आज तुम ये बात कहने के लिए जिंदा नहीं होते। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ में नहीं आ रही या तुम समझना नहीं चाहते? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। मैं हट जाओ मेरे रास्ते से देवा। चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी देवा साहब, चुपचाप बच्चे को हमारे हवाले कर दो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, ले जाओ इसे। शोर मचाया तो टेंट दबा दूंगा। मैं मुद्दू जाके तेरा टेंट दबा देंगे। बित्ते भर का छोरा और इतनी लंबी जुबान, दो थप्पड़ लगाऊंगा यही ढेर हो जाएगा। गुच्छा जैसे तेरे को थप्पड़ मारेंगे तू ढेर हो जाएगा। ज्यादा बकबक की तो गोली मार दूंगा। उन्होंने डाकू को मार तुझे मार देंगे। बच्चे पे गोली चलाता है बच्चे पे। अबे मर्द की औलाद है तो मुझे मार। गलती होगी देवा साहब, माफ कर दो, अब बच्चे को नहीं मारूंगा।
अब अगर बच्चे का नाम भी तेरी जबान पर आया तो चीर के रख दूंगा तुझे। ये सरासर बेईमानी है देवा साहब, एक बच्चे के लिए आप अपने ईमान को धोखा दे रहे हैं। इस बच्चे के लिए मैं अपने ईमान को तो क्या, अब मैं भगवान को भी धोखा दे सकता हूँ। अब खड़े-खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाके राजा के पैर से गोली निकालो। आई लव यू देवा। नंबर का गधा है तू, गोली चला के रस्सी का सांप बना दिया ना। अरे अच्छा खासा बच्चा हाथ में आ गया था, अपनी बेवकूफी से कर दिया ना राम नाम। गोली चलाना तो एक बहाना था लाला जी, दरअसल उनको बच्चे से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? घोड़ों को घास से यारी हो गई है। अरे नाक में दम कर दिया सुसरों ने, मेरी गलती है, मेरी गलती है। गधों को हलवा खिलाया है तो दुलत्ती भी तो मुझे खानी पड़ेगी ना। मगर मैं भी किसी से कम नहीं हूं, अगर उनकी आंखों से काजल नहीं चुरा लिया ना तो मेरा नाम भी लाला लड़छोड़ नहीं। दिल वालों दिल थाम लो, जोड़ो हाथ, खुदा का नाम लो। ए, आज से तेरा ये काम धंधा बंद, समझी? अच्छा जी, क्यों? क्योंकि मर्द के रहते उसकी औरत काम करे ये मुझे पसंद नहीं। हाय वारी जाऊं, लेकिन छोकरे मैं काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? मैं क्या मर गया हूँ? मैं खिलाऊंगा तुझे और फिर दिन भर खून पसीना बहा के कितना मिलता है तुझे? हा? अरे जितनी तेरी जिंदगी भर की कमाई नहीं उतनी हमारी एक दिन की कमाई है, समझी? हाँ हाँ क्यों नहीं, गला काट के दौलत कमाना आसान काम जो ठहरा। मगर ये भरम तू अपने दिल से निकाल दे कि चमेली तेरे पाप की कमाई पे नाश करेगी। अरे पाप की कमाई पे ही अपना ईमान बिगाड़ना होता ना तो इस तरह चमेली गांव-गांव घूम के अपना खून पसीना नहीं बहाती, बैठ जाती जाके किसी कोठे पे। मेहनत करके इज्जत की रोटी कमाने का हौसला नहीं हो तो फिकर मत करना रामा, मैं हूं ना, मैं खुद भी खाऊंगी और तुझे भी खिलाऊंगी। क्या तू मेहनत मजूरी करेगा? हाँ देवा। अरे पर इसकी जरूरत क्या है, क्या हमारे पास पैसों की कमी है? मैं इस पाप की कमाई को ठोकर मारता हूँ। दूसरों का खून बहाना बहुत आसान है बेटा, मगर अपना पसीना बहाने में नानी याद आ जाती है। चाहे जो हो मैं उस साली का घमंड उतार देना चाहता हूँ। किसका? चमेली का। साली समझती क्या है खुद को, कहती है खुद भी खाएगी मुझे भी खिलाएगी। अरे रामा, मोहब्बत का मामला है, मजनू दीवाना है, इस उल्लू के पट्टे को खाक समझाना है। ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा, ये बड़ी कठोर जमीन है। अरे चाचा, पसीने की बारिश पहाड़ों को मैदान बना देती है और फिर इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। चल या आई आई के मैं भी आती हूँ। ए, हाँ? देख। समझ के बेटा कहीं लगता है इसके नीचे पानी का झरना है, अब मुझे पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, ये लो आज की मजदूरी।
आज खाने में क्या मिला दिया ममता, बड़ा स्वाद आ रहा है। मेरा ख्याल है इसमें मसाला अच्छा डाला है। वाह क्या खुशबू आ रही है। जिंदगी में पहली बार आज खाने का असली मजा आया है। मेहनत की कमाई का मजा ही कुछ और होता है छोकरे। पॉकेट का माल खाने का मजा ही कुछ और है। अरे मार डाला रे। गजब हो गया, गजब हो गया पियाजी, गजब हो गया। क्या हुआ लाला? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे बचा लो पियाजी, मुझे बचा। क्या हुआ बताओ? अब क्या बताऊं, चार खतरनाक गुंडों ने मेरे भतीजे को अगवा कर लिया है। क्या? तुम्हारे भतीजे को अगवा कर लिया? हाँ पियाजी, मेरे कलेजे के टुकड़े को, मेरी आंखों के तारे को, मेरे बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया उन कमीनों ने। पियाजी अब उनसे कैसे भी करके आप मेरे भतीजे को वापस दिलवा दीजिए, वरना मैं यहीं पे सर पटक पटक के जान दे दूंगा। ये क्या कर रहे हो? फिक्र मत करो, उन बदमाशों को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा मैं। आकाश पाताल एक करने की कोई जरूरत नहीं है पियाजी, मैंने पता लगा लिया है, वो चारों यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बनी खेत नाम के गांव में छुपे हुए हैं। अब देर मत करो पियाजी, अगर उन्होंने मेरे भतीजे का राम नाम कर दिया तो मेरा भी राम नाम हो जाएगा। उनके बाप का राज है, मार मार कर बुरकस निकाल दूंगा हरामजादों का। चलो। आपने झूठ क्यों बोला लाला जी कि राजा आपका भतीजा है? अगर वो ये भेद खोल दें कि आप खुद राजा को जान से मारना चाहते हैं तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। वो मेरा भेद नहीं खोलेंगे, और अगर खोलेंगे तो मैं भी सुसुओं को नंगा कर दूंगा, बता दूंगा कि उद्योगपति देवधर गुप्ता की हत्या उन्होंने की है, और मैं जानता हूं कि वो इतने बेवकूफ नहीं है, समझा? ये सुसरे खेती कब से करने लगे? पियाजी पियाजी, यही है वो चारों जिन्होंने मेरे भतीजे को अगवा किया है। घेर लो इन सबको, कोई भाग ना पाए। पियाजी वो रहा मेरा भतीजा राजा, राजा। लेकिन ये तो हमारा भतीजा है। क्या मतलब? ये तुम्हारा भतीजा हो गया? मतलब ये हमारा भतीजा है। अभी पता लगेगा। बेटे ये कौन है? अक्षय चाचा। सुना पियाजी, इसने मुझे चाचा कहा। लेकिन लाला इसने राक्षस क्यों कहा? इसकी शक्ल ही ऐसी है। चाहे जैसी शक्ल हो मगर इसने मुझे चाचा तो कहा ना, हो गया फैसला। पियाजी अब सोच क्या रहे हो? पकड़ लो इन्हें। रुक जाओ। अच्छा राजा ये कौन है? पुलिस चाचा। इसने तो मुझे भी चाचा कहा। तो क्या ये आपका भतीजा हो गया? हरगिज नहीं। तो फिर ये इसका भतीजा कैसे हो गया? देखा पियाजी जमाना कितना खराब हो गया है, मेरे भतीजे को मेरे खिलाफ पट्टी पड़ा दी है। अरे ये चारों बड़े जालसाज हैं पियाजी। इस गांव का मुखिया कौन है? मैं हूँ साहब। आप कब से जानते हैं इन लोगों को? जब भी ये पैदा हुए हैं, मैंने अपनी गोद में खिलाया। नहीं ये ए बच्चे, कब से जानता है तू इन चारों को? जब से कोई बच्चा किसी को पहचानने लगता है। ओ क्या नाम है इसका? रामू। चंदर। अरे आ रामू आ। जी बापू। कहाँ भर गए तू? तुझे टक्की से आटा लेने भेजा था और तू यहाँ खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा नालायक, चल भाग गया सर। इंस्पेक्टर साहब राम राम। राम 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 राम। क्या नाम है तेरे बच्चे का? इतना नाम है लेकिन प्यार से मैं रामू ही कहता हूँ। राम राम। रामू। लाला ये लोग तो इसी गांव के हैं। हाँ, और ये हमारा भतीजा है। ये मेरा भतीजा है पियाजी। फैसला बच्चे पे छोड़ते हैं। बेटे तुम किसके साथ रहना चाहते हो? इनके साथ। ये पूरे गांव की मिली भगत है पियाजी, पूरे गांव की। ए लाला जाकर अपनी आंखों और दिमाग का इलाज करवाओ, किसी के भी बच्चे को अपना बच्चा समझते हो? आइंदा ऐसी हरकत है की तो अंदर कर दूंगा, समझे? चलो। अरे पियाजी 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 आप बात तो सुने। अरे ये अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? सच सच बता लाला, तू इस बच्चे को क्यों मारना चाहता है? पता नहीं तो यही जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। चाचा जी इन्हें मत मारो। देखा लाला,
जिसे तू मारना चाहता है वही बचा रहा है तुझे, बता। ठाकुर विकराल सिंह इसे मारना चाहता है। मगर क्यों? सूरजपुर के महल और उसकी जायदाद के लिए। सूरजपुर के राजा वीर प्रताप सिंह के कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने अपनी दासी के बेटे विशाल सिंह को गोद ले लिया। ये राजा उसी का बेटा है, कुछ समय बाद महारानी के बच्चा हुआ। ये विकराल सिंह वही है, एक नंबर का अत्याचारी और अय्याश। एक दिन फौजी की जवान बहन को शादी के मंडप से उठवा तो लिया, पर सारे गवाहों के बयानात और मुजरिम के इकरारनामे को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुजरिम विकराल सिंह को कुमारी कमला सिंह के बलात्कार और निर्मम हत्या के जुर्म में ताजिरात हिंद की दफा 376 और 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और कुमारी कमला सिंह को शादी के मंडप से अगवा करने और मुजरिम को मदद करने के गुनाह में अदालत लाला रणछोड़ सिंह और हरिकिशन यादव को दफा 353 के तहत 5 वर्ष कैद व मशक्कत की सजा सुनाती है। पियाजी एक बुरी खबर लाया हूं, महाराज का देहांत हो गया। तू बेवकूफ है लाला, इसे तो बुरी खबर कहता है। उस बुढ़े की मौत की खबर सुनने के लिए मैं कितना बेचैन था ये तू नहीं जानता। तू नहीं जानता कि अब मैं आजाद हो गया हूं, अपनी दौलत को अय्याशी के समुंदर में डुबोने के लिए। अब सिर्फ 3 साल बाकी हैं लाला, 3 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे, यूं ही गुजर जाएंगे। महाराज की वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम चल अचल संपत्ति के वारिस आप नहीं हैं, बल्कि उनके गोद लिए बेटे विशाल सिंह के 6 महीने का बेटा राजा होगा। नहीं आजाद है, तू झूठ बोल रहा है, मैं तेरी खाक खींच लूंगा। विशाल सिंह ने महाराज को बहुत समझाया कि विकराल अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, उसे उसके हक से बेदखल मत कीजिए, मगर महाराज ने उसकी एक ना सुनी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं राजा था और राजा की जिंदगी जीऊंगा। मैं उस दासी के बेटे को मार दूंगा, उसके दूध बुए बेटे को मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। और जब वो जेल से सजा काट कर आया तो उसने राजा और उसके माँ बाप को खत्म करने का हुक्म दे दिया। राजा को तो फौजी ने बचा लिया, मगर विकराल सिंह ने उसके माँ बाप को खत्म करवा दिया। पर क्योंकि महाराज ने राजा के नाम सूरजपुर का राजमहल और उसकी सारी जायदाद कर दी थी, इसलिए विकराल सिंह राजा को मरवा कर कानूनन सारी जायदाद का मालिक बन जाना चाहता है। लाला जाकर कह देना विकराल से कि राजा अब हमारी पनाह में है। कहते हैं आदमी बूढ़ा तब होता है जब वो अपने पैरों से ज्यादा अपनी लाठी पे भरोसा करने लगता है। तुझ पर भी भरोसा करके मैंने यही गलती की लाला, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हुआ, बहुत जान है मेरे पैरों में। ले चल मुझे उस हरामजादे के पास जिसे अपने बच्चों की ताकत और वफादारी पे बहुत घमंड है। एक ही ठोकर में उसके घमंड की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। दरअसल मेरे बच्चे मिशन पर गए हुए हैं, जैसे ही वो वापस लौटते हैं मैं उन्हें आपके मिशन पर भेज दूंगा। बच्चे? हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे अपने बच्चे, ये सब जायदाद दौलत उन्हीं की तो है। जानते हो कितने बच्चे हैं मेरे? कितने? 4, उन सबसे बड़ा देवा इतना सा था जब जोसेफ किस बदनसीब ने अपनी मौत को पुकारा है। अपने ही मालिक पर भौंकने वाले कुत्तों के दलाल, याद रखना मेरी पिस्तौल तेरे बच्चों की तरह बेईमान नहीं है। मेरे बच्चों की नियत पर उंगली उठाने वाले गुस्ताख, तेरी औकात क्या है? लाला जी, 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 इसे मेरी औकात बता।
ये मेरे मालिक है ठाकुर विकाल सिंह। उस बच्चे की जान का सौदा मैंने इन्हीं के लिए किया था, और पेशकी के तौर पर 5 लाख रुपए जो दिए थे वो भी इन्हीं के थे। रुपए दिए थे तो कोई एहसान नहीं किया था? तेरे रुपयों के बदले मेरे बच्चे अपनी जान से खेल रहे होंगे। कागज की नाव ज्यादा देर नहीं चलती जोसेफ। साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है? सिर्फ यही कि तेरे बच्चों ने मेरे बच्चे को हासिल तो कर लिया, लेकिन अब देने से इनकार कर रहे हैं। तू झूठ बोल रहा है, ख्वाब में भी मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। यही तो तुझे बताने आया हूँ कि जिन बच्चों पे तुझे इतना गुमान है वो अव्वल दर्जे के बेईमान है। सारी दुनिया के आगे अपनी ईमानदारी का ढोंग रचाने वाले धोखेबाज, मैं तेरी मक्कारी का पर्दाफाश करने आया हूँ। हरामजादे! माफ करना जोसेफ साहब, अगर मुझे पहले पता होता कि आप बेईमानी का सौदा करते हैं तो मैं यहां हरगिज नहीं आता। मेरा यकीन करो अब्बास, मेरे बच्चे मुझे धोखा नहीं दे सकते। तेरे बच्चे तुझे तो क्या, उस बच्चे के लिए आप भगवान को भी धोखा दे सकते हैं। मेरे बच्चे बदल गए हैं, मगर इतना बदल जाएंगे ये सोचा भी नहीं था। जोसेफ अंकल, मर गया तुम्हारा जोसेफ अंकल। पाल पोस कर तुम लोगों को इसीलिए बड़ा किया था कि कोई दो टके का आदमी आकर सरेआम मेरी गैरत को ललकारे, सबके सामने मुझे जलील करे। किसने तुमको जलील किया? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े तो मैं तुम सबके कर देता, मेरी जबान के टुकड़े टुकड़े करने के गुनाह नहीं, अगर तुम लोग मेरे दिल के टुकड़े ना होते। मगर इतना याद रखो कि मैं अपने दिल और अपनी जान से ज्यादा अपने ईमान से मोहब्बत करता हूं, इसलिए उठाओ इसे और ले जाकर उस कमबख्त के मुंह पर मार दो। है ये काम भी मुझे ही करना होगा। मैंने इस बच्चे को जिंदा या मुर्दा लाने का वचन दिया था। तुम इसे जिंदा नहीं ले जा सके, मैं इसकी लाश ले जाऊंगा। नहीं! हम्म,
ठीक कहा था उसने कि इस बच्चे के लिए तुम लोग मुझे तो क्या भगवान को भी धोखा दे सकते हो। भूल गया वो दिन जब वो कसाई तेरी बलि चढ़ाने तुझे काली के मंदिर ले गए थे, तब तुझे बचाने तेरा ये भगवान नहीं आया था, ये आया था ये जोसेफ। भगवान को धोखा देना बहुत आसान है, लेकिन इस जोसेफ को धोखा देना बहुत मुश्किल है, बहुत, समझा? बात रुपयों की ही तो है अंकल, रुपए तो लौटाए भी जा सकते हैं। अच्छा तो तेरी भी जबान खुल गई, तू भी भूल गया कि जब तू इतना सा था और वो भिखारी तेरी जबान काटने वाले थे, उस दिन अगर मैंने तुझे उनसे न बचाया होता तो आज कटोरा हाथ में लिए किसी चौराहे पर खड़ा तू खून के आंसू रो रहा होता। इसके बगैर हम जी नहीं सकते अंकल, और मेरी मर्जी के बगैर तो तुम लोग मर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम सबकी जिंदगी मेरे पास गिरवी रखी है, गिरवी, समझे? मेरी खिलाफत में उठाया गया तुम्हारा एक भी कदम मेरे खिलाफ जंग का ऐलान होगा, और इस जंग में खुदा करे तुम्हारे हाथों अगर मेरी मौत होती है तो एक बेईमान की जिल्लत भरी जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, और खुदा ना करे मेरे हाथों तुम लोगों की मौत होती है तो मैं चीख चीख कर सारी दुनिया से कहूंगा कि किसी अनाथ किसी बेसहारा को अपने सीने से न लगाना, क्योंकि अपनी खुशी के लिए वो एक दिन तुम्हारे पीठ में खंजर भोंक देगा। ऐसा मत कहो अंकल, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तुम ये चाहते हो ना कि हम इस मासूम को उस कसाई के हाथों सौंप दें, हमें मंजूर है, लेकिन ये मत कहो कि किसी अनाथ को अपने सीने से न लगाना, क्योंकि तुम्हारी तरह हमने भी इस अनाथ को अपने सीने से लगाया है। चलो ये मत सोचना कि मैं तुमसे इस बच्चे की जिंदगी की भीख मांगूंगी, नहीं, मैं तो तुमसे इन लोगों के लिए रहम की भीख मांग रही हूं। भयंकर अंधेरों से निकलकर इन्होंने उजाले में कदम रखा है, इनके कदमों में अपने एहसानों की बेड़ियां मत डालो। हट जा लड़की, तेरे जज्बात मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। ले जाओ ले जाओ, मैं छोड़ूंगा मत जाओ। मैंने तुझे गलत समझा था जोसेफ, तू तो सचमुच अपने वचन का पक्का है। लाला जी, पिया जी, यकीन ना हो तो खोल के देख ले जोसेफ, मैं तेरे बच्चों की तरह बेईमान नहीं। हराम सादे, रुक जाओ, मैं कहता हूँ वापस चले। विक्राल, जो लोग खून का घूंट पीना जानते हैं, जब उनका खून खौलता है तो इस दुनिया का हर कुत्ता अपनी किस्मत पे रोता है। चलो चलो जाओ। इस ज्वालामुखी को रोकना तेरे बस में नहीं है विक्राल, क्योंकि आज इनकी रगों में खून नहीं लावा दौड़ रहा है। अगर ये आज तुझ पर थूक भी देते तो तू जलकर राख हो जाता। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना जोसेफ। खैर, आज मैं बहुत खुश हूं, जश्न मनाऊंगा, दावत दूंगा, मेरी दावत खा के जाना जोसेफ। कुत्तों की दावत में शेर नहीं आते। पियाजी पियाजी, बच्चा तो हाथ आ गया, अब आग से खेलने की क्या जरूरत है? अपनी तरह बुजदिल समझता हरामजादे, साला कुत्ते का कुत्ता ही रहा, ना भौंकना सीखा ना काटना सीखा, सिर्फ तलवे चाटना सीखा, तलवे चाटना सीखा साला कुत्ता। ए, आ जा ठीक 12 बजे बच्चे को मार देना। Thank you.
मोटू चाचा, तुमने डाकू को क्या मारा? अच्छा अच्छा, कैसे मारा? बोलो बोलो, सोला तूने? सोला तूने? ममता ने मुझे सब कुछ बता दिया है रामा। मुझे चाचे किचू। चुपे। नहीं मैं उधर नहीं हूँ। डाटी क्यों? रोना धोना बंद करो और एक नई मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने बच्चा उसे सौंप दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया और मेरा वचन पूरा हो गया। अब मैं तुम्हें एक नया काम देता हूं। जाओ और जाकर अपने बच्चे को उस कमीने के हाथों से छुड़ा के ले आओ। जिंदा या मुर्दा नहीं, जिंदा। माना कि मैं बहुत बेरहम हूं, लेकिन तुम जैसे पत्थरों को रोता हुआ देखकर तो यमराज का कलेजा भी फट जाए, फिर मैं तो तुम्हारा छोटा पंकल हूं। जा, देर ना करो, कहीं वो कमीना अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। जाओ मेरे बच्चों, जल्दी जाओ। उतरेगा ना जिंदगी भर चढ़ा जो नशा, नशा, नशा।
कुछ ही देर की बात है जाने मन, फिर मैं इस विशाल संपत्ति का कानूनन मालिक बन जाऊंगा। अपनी रियासत का बेताज बादशाह, उस बच्चे को मिटाकर जुल्म सितम का ऐसा इतिहास बनाऊंगा मैं कि रावण और कंस की आत्मा भी कांप उठेगी। कितने रावण कितने कंस मिट गए जुल्मों सितम की राह में, तो तू क्या उसे मिटाएगा जो है उसकी पनाह में। तुम जैसे छोटे मोटे दरख्तों के रोकने से तूफान नहीं रुका करते, बल्कि अपनी बर्बादी के सैलाब में बड़ी बड़ी आबादियों को बहा ले जाते हैं। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो विकराल, पहाड़ों से टकरा कर चूर चूर हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा पाला ऐसे सिर फिरों से पड़ गया है विकराल, जो एक हथेली में अपनी जान और दूसरी में मौत का सामान लिए फिरते हैं। न जाने किस मनुष्य कलम से अपनी तकदीर लिखा लाया विकराल, कि जिंदगी भर तू दौलत मांगता रहा, नहीं मिली। अब तू जिंदगी मांगेगा तो वो भी नहीं मिलेगी। राजा कहाँ है विकराल? राजा, मौत उसकी ओर कदम बढ़ा चुकी है। उसकी जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ 5 मिनट का फासला है, और वो कहां है ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं। मैं बताऊंगा पिया जी।
मैं बताऊंगा कि बच्चा कहाँ है। तू बताएगा? तू मुझसे नमक हराम ही करेगा? नमक हराम तो मैं जन्म जात हूँ पियाजी। अरे तेरी खातिर तेरे बाप से नमक हरामी कर ली तो तू क्या चीज है? चीखो चीखो पियाजी और चीखो, ताकि तेरे भाड़े के टट्टू जिनके सामने आज तूने मुझे जलील किया, मेरी बरसों की वफादारी पे थूक दिया, वो भी ये जान ले कि लाला सिर्फ तलवे चाटना ही नहीं, वक्त पड़ने पे काटना भी जानता है। हरामजादे, इसका अंजाम जानता है? जानता हूँ, कुत्ता हूँ ना, कुत्ते की मौत मरूंगा। तेरे साथ रह के बहुत पाप किया, अब मरने से पहले थोड़ा पुण्य तो कमा लूं। देवा साहब, बच्चा महल के पीछे रानी जी की बाड़ी में कह जाए, वहां एक नीली पगड़ी वाला चौकीदार बैठा होगा। पीछा करो लाला। तुम बच्चे के पास जाओ, मैं यहां संभालता हूं, जाओ जाओ। राजा राजा Oh!
देवा, माय चाइल्ड, बच्चे, देवा, देवा, मेरे बच्चे, जोसेफ अंकल, रोइए मत, देखिए, हमने अपने फौजी को बचा लिया, राजा बेटा, तुझे ये बहुत पसंद है ना? हाँ गुच्चा चाचा। ले, एक बार सुना दे, बजाओ बेटा, बजाओ, बजाओ। तू तो देवता बन गया।